शायद यू मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है जहाँ पर इतने वर्क में टाइम देने का आउटपुट कुछ और अच्छा हो सकता है आई केम टू दिल्ली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यू सिविल सर्विसज एग्जामिनेशन मैंने बहुत पढ़ाई करी फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने प्रिलिम्स निकाल लिया फॉर्चुनेटली मेन्स भी निकाल लिया मैं इंटरव्यू तक गया इंटरव्यू में इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट मैं ब्लैकआउट हो गया ब्लैकआउट इसलिए हो गया क्योंकि शायद मैं पैनिक कर गया बहुत ज़्यादा और उन्होंने कहा कि प्री सुना दो और मुझे प्री का पहला लाइन भी नहीं याद आया मैंने अपना बैग उठाया मैं घर चला गया मैंने अपने फादर से कहा कि मैं अभी, अभी एग एग्ज़ाम नहीं दूँ इससे पहले कि हम ये पूरा कन्वर्सेशन स्टार्ट करें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है यूपीएससी कौन से लोग निकालते हैं उनमें क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं क्या वो ओवर स्मार्ट लोग हैं क्या वो बहुत जहीन लोग हैं क्या वो ओवर इंटेलेक्चुअल हैं अगर आपको इनमें से कोई भी एक लगता है तो मैं आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट होने वाला हूँ बिकॉज जब मेरे जैसा कॉमन पर्सन जब ये इस एग्जाम को निकाल सकता है मुझे लगता है हर एक बंदा इस एग्जाम को निकाल सकता है आप में से बहुत लोग सोचते होंगे आप बहुत स्मार्ट नहीं है बट ट्रस्ट मी इवन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम एंड इस एग्जाम के फेज में और लाइफ के किसी भी फेज में अगर आप डिप्रेशन के फेज़ में जा जा रहे हैं आई टेल यू हाउ टू गेट आउट ऑफ इट एंड हाउ टू रियलाइज़ कि आप उस डिप्रेशन फेज़ में जा रहे हैं हाई डियर फ्रेंड्स मैं हूँ आई पी एस मोहिबुल्ला अंसारी मैं बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम है पड़वा वहाँ पे मैं मेरी प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन वहीं पे हुई जहाँ पे मैं एक सरकारी स्कूल में जाया करता था मदरसे में भी जाते थे हम लोग मेरे मैं और मेरे भाई बहन उसके बाद से क्योंकि फ़ादर के पास जॉब नहीं थी इनिशियली तो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे वहीं पे हम पढ़ते थे बट क्योंकि फिर मेरे फादर की जॉब लग गई वो दरभंगा पोस्टिंग हो गई हम दरभंगा शिफ्ट हो गए वहाँ पे मेरा एक इंग्लिश स्कूल में नाम लिखा दिया गया बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ना ही हिंदी आती थी ना ही इंग्लिश आती थी मुझे भोजपुरी आती थी जो कि एक Uh, uh, वहाँ के लिए अलग लैंग्वेज थी वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ के टीचर्स मेरा मजाक भी बनाते थे देन आई वॉज डिटरमाइंड कि मेरे को ये तो सीखना पड़ेगा हिंदी लैंग्वेज धीरे धीरे मैंने वो भी सीखा इंग्लिश भी सीखा मैं वहाँ पर टॉप करने लगा था तो मेरे फादर ने मुझे वहाँ से चेंज कराकर मुझे पटना शिफ्ट कर दिया क्योंकि घर पे पढ़ने का माहौल नहीं था मेरे फादर को शायद ये पता था कि इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम पटना में वन ऑफ द अच्छे स्कूल जिसका नाम है डॉन बॉस्को अकेडमी मेरा वहाँ एडमिशन कराया गया वहाँ पे मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था बिलो एवरेज इन द सेंस कि मैं बैक बेंचर तक बन चुका था बैक बेंचर बनने की वजह से मैं काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया जिसके वजह से मेरा नाम मोहिबुल्ला से मुसीबतुल्ला कर दिया टीचर्स ने मेरे को नॉन पेड क्लाउन बुलाया जाता था ये सिलसिला चलता रहा जब तक टेंथ का प्री बोर्ड नहीं आ गया टेंथ के प्री बोर्ड में मैं कुछ सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया एंड ये बहुत ही सरप्राइजिंग था सबके लिए यहाँ तक कि मेरे फादर ने मुझे बहुत प्यार से सुबह में बुलाया और बहुत अच्छे से मेरे को मारा यहाँ तक घर में मेरे गेस्ट आए हुए थे सबके सामने मेरी कुटाई हुई कह लीजिए उसके बाद से मेरे फादर ने मैंने ये सोच लिया कि मैं अब ये पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहा आई विल मेक मनी आउट ऑफ कोई और तरीके से बट मैं ये पढ़ाई नहीं करने वाला फिर मुझे फादर ने मेरे को शाम में बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम में अभी कितने तुम्हारे एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं आई टोल्ड हिम कि बीस दिन बचे हैं ही सेड कि बेटा बीस दिन में भी बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है एंड दैट वॉज द इलेक्ट्रिफाइंग स्टेटमेंट जो मुझे लगा मुझे पता नहीं कहाँ से जोश आया आई थॉट कि आई विल मेक दिस टाइम एंड आई विल शो दिस मैन कि मैं कर सकता हूँ एंड मैंने बीस दिन बहुत मेहनत करी अनफॉर्चुनेटली आई वॉज केबल एबल टू स्कोर अबव नाइन्टी परसेंट डेट एग्जाम बट वो एग्ज़ाम में परफॉर्म करने की वजह से मेरे अंदर फिर कॉम्पलेसेंसी आ गई फिर मैं अलेवेंथ में जब गया मैंने एग्जाम दिया फिर मैं फेल हुआ फिर आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म इन दिस एग्जाम काफ़ी सब्जेक्ट्स में फ़ेल हुआ मेरे फादर ने फिर बुलाया फिर मेरी कुटाई की गई फिर मुझे समझाया गया कि बेटा एक साल बचा है यहाँ तक कि स्कूल में कह दिया गया था कि शायद ये लड़का बोर्ड भी नहीं पास कर सकता है जिस तरह की इसकी हरकतें हैं मेरे फादर ने मुझे बुलाया मुझे कहा कि एक एक साल तुम्हारे पास है तुम आई की तैयारी छोड़ दो तुम बोर्ड की ही तैयारी कर लो तुम बोर्ड पास कर जाओगे हमारे लिए वही बहुत अच्छी बात होगी मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद डिमीन हो गया मैं ये मेरे लिए थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल था कि मैं आईआईटी के सपने देख रहा हूँ और मैं शायद बोर्ड नहीं पास कर सकता शायद मेरी जिद हुई कि मैं आईआईटी भी निकालूंगा आई थिंक मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया था आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर नेक्स्ट वन ईयर आई वॉज मैड आई आई लिटरली मैंने बहुत समय दिया पढ़ाई को बस पढ़ाई करता था उसके बाद फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू स्कोर मोर देन नाइन्टी Uh, मैंने आईआईटी का भी एग्जाम पहले अटेंड में ही निकाला आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ बट अगेन सेम प्रोसेस फिर कॉम्पलेसेंसी इन दी एजुकेशन पढ़ाई में स्टडीज़ में uh, फिर उसके बाद मैं बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में भी आया हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट थी मेरी बस पढ़ाई को छोड़कर बट एनी हाउ मेरा एम ये था कि मुझे बस पास करना है एनी हाउ यहाँ से पास होकर निकलना है मैं हॉस्टल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था मैं कॉलेज से पास आउट हो गया मेरे को जॉब लग गई बट ग्यारह दिन जॉब करने के बाद मुझे ये, ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ मैं बारह घंटे काम करता था एंड आई रियलाइज कि अगर मैं बारह घंटे कहीं और देता तो शायद मैं लाइफ में कुछ और कर सकता हूँ एंड मैंने अपना समय बस कॉम्प्लेसेंसी के चक्कर में बहुत समय बर्बाद किया है मैंने दोस्तों से बात की अपने फ्रेंड से बात की मैंने फैमिली में डिस्कशन किया मुझे ये, ये रियलाइज़ हुआ कि शायद यूपीएससी मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है जहाँ पे इतने वर्क में टाइम देने का आउटपुट कुछ और अच्छा हो सकता है मुझे यह पता था कि यू में पढ़ना बहुत पड़ेगा बट आई वॉज डिटरमाइंड दिस टाइम कि आई नॉट मेक द सेम मिस्टेक जो मैं अपने टेंथ में से पहले करता रहा अलेवेंथ में करता रहा कॉम्पलेसेंसी रही मेरे अंदर आई नॉट मेक दैट मिस्टेक आई मेक श्योर कि मैं शुरू से ही अच्छे से पढ़ाई करूँ आई केम टू दिल्ली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैंने बहुत पढ़ाई करी इवन देर वॉज टाइम जब मैं दस बारह घंटे का स्ट्रेच भी मैंने लगाया है फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने फिल्म निकाल लिया फॉर्चुनेटली मेन्स भी निकाल लिया मैं इंटरव्यू तक गया इंटरव्यू में इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि इंटरव्यू में मेरा पहला अटैम्प्ट था आई वॉज वेरी यंग मैं वहाँ पहुँचा मैं ब्लैकआउट हो गया ब्लैकआउट इसलिए हो गया क्योंकि शायद मैं पैनिक कर गया बहुत ज़्यादा और उनके सवालों का बहुत ईजी थी क्वेश्चन को भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था जैसे कि उन्होंने कहा कि प्री सुना दो और मुझे प्री का पहला लाइन भी नहीं याद आया जो हम डेली पढ़ते हैं उसके बाद से उस अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ फिर मैंने इस बात का दुख था बट फिर भी मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया जिसके लिए एग्जाम के लिए मुझे बस पंद्रह दिन मिला था फिल्म के लिए वो भी मैंने क्वालिफाई किया बट मेन से जस्ट पहले मेरा पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया हुआ यूँ कि एग्ज़ाम से जस्ट बीस दिन पहले मेरे दिमाग में साइड बाय साइड एक चीज़ चल रही थी कि मैं लास्ट टाइम एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हूँ और मेरे दोस्त सारे वेल सेटल्ड हो चुके हैं और मैं कहीं स्टैंड नहीं करता बट एक इवेंट और ऐसा हुआ जिसके वजह से मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की वो था कि मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था मैंने अपना बैग उठाया मैं घर चला गया मैंने अपने फ़ादर से कहा कि मैं अभी अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा मेरे फ़ादर ने कहा कि कोई बात नहीं दिस वॉज द थर्ड टाइम वैन आई मेट माई फ़ादर विद द इशू दिस टाइम आप बहुत सरप्राइज होंगे उन्होंने मुझे डाटा नहीं दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मेरे फ़ादर ने मुझे गले लगाया था एंड उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं uh, उन्होंने बहुत अच्छी एक शायरी बोली कि गिरते हैं शहशवार मैदान जंग में वो तिफ़ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले एंड uh, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया uh, चार uh, उन्होंने बोला कि uh, कोई बात नहीं एग्ज़ाम नहीं देते हैं दस दिन मैं घर पर रहा दस दिन बाद उन्होंने, उन्होंने बोला कि uh, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा फ़ेल हो जाओगे नहीं दोगे तो वैसे भी फेल हो जाओगे आई डिसाइडेड कि मुझे फिर एग्ज़ाम देना चाहिए फिर उसके बाद uh, मैं एग्ज़ाम देने दिल्ली आ गया मैंने एग्ज़ाम दिया बट उस एग्ज़ाम को मैं 9-10 नंबरों से नहीं निकाल पाया जबकि मैं सुने मैंने उस एग्जाम के लिए बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाया था मैं फिर उसके बाद आ, मैंने दोबारा स्टार्ट की प्रिपरेशन मैंने सोचा कि जब मैं नहीं पढ़ पाया हूँ तब नौ दस नंबर से छूट गया अगर मैं पढ़ूंगा शायद निकल जाएगा बट क्योंकि मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था मैं एक दो साल तक मैंने फिर से अटैम्प्ट दिया मैं फिर फेल हो गया यहाँ तक इस बार प्रिलिम्स नहीं हुआ अगली बार फिर एग्ज़ाम दिया फिर ज़्यादा नंबरों से प्रिलिम्स नहीं हुआ तो इट वॉज अ वेरी डिक्लाइनिंग ग्राफ पहले इंटरव्यू नहीं हुआ फिर मीनस नहीं हुआ फिर प्रिलिम्स नहीं हुआ फिर प्रिलिम्स नहीं हुआ तो इट वॉज़ वेरी डिप्रेसिंग जर्नी और इस स्ट्रेस में मैं और डिप्रेशन में जाता रहा डिप्रेशन में मुझे कब पता लगा मैं जब जा रहा हूँ जब मुझे ना खाने की इच्छा होती थी जब मैं ना सोता था मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता था मैं एक एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन होने के बावजूद आई बिहेविंग लाइक अ इंट्रोवर्ट मैं इंट्रोवर्ट हो गया था जो मैं एक्चुअली जॉली पर्सन हूँ बहुत वो नहीं था मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं किसी अलग जोन में जा चुका हूँ इट वॉज़ जस्ट अ पैडल वर्ल्ड फॉर मी जहाँ मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टर से भी दिखाया uh, डॉक्टर ने कहा कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल डिप्रेशन जहाँ पे मुझे कभी अकेले जाना अलाउड नहीं था चार महीने तक आई वॉज़ नेवर लेफ्ट अलोन मैं uh, अंधेरे में जाना मुझे अलाउड नहीं था किसी हमेशा किसी के साथ सोना था फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहता था चार पाँच महीने मैं अकेले नहीं रहा हूँ देन आई रियलाइज कि ये ऐसे नहीं चलेगा यू हैव टू कम आउट ऑफ इट आई डिसाइडेड कि मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी इससे बाहर निकलने के लिए आई टुक अ पाथ जहाँ पे आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स मैं विपसना मेडिटेशन के लिए दस दिन कैंप गया आई स्टार्टड राइटिंग डायरी एवरी थिंग वॉट एवर आई लर्न आई वेंट थ्रू अ डे जो भी दिन में मुझे कुछ भी अच्छा मिलता था मैं उसको एक अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखा करता था जो भी दिन में पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं मैं उसको नोट डाउन कर लेता था सो so दैट कि मैं सोने से पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोने जाऊं। आई चेंज माई प्लेस आई चेंज माई प्लेस सो डैट माई पेस कैन चेंज आई चेंज पीपल आई स्टार्टड स्टेइंग विद अच्छे लोगों के साथ मैं रहने लग गया जहाँ पे अच्छी संगति गुड पॉजिटिव वाइस वाले लोग थे बहुत पुराने दोस्त जो उनको मैं खो दिया था मैंने प्रिपरेशन के जर्नी में उनसे मैं वापस मिला आई बिलीव कि जो मैं फैमिली से दूर चला गया था प्रिपरेशन के जर्नी में मैं उनके भी क्लोज़ आया इन सब के वजह से दो साल मुझे लगे बट स्लोली स्लोली आई स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ it. सो so, डिप्रेशन से निकलने के मैंने चार पाँच स्टेप जो बिल्कुल ही अपनाए थे पहला था मैंने अपना प्लेस चेंज किया प्लेस चेंज किया उस जगह से निकला जहाँ पे ये सब प्रोसेस हुआ सब कुछ तो इसलिए प्लेस चेंज से मुझे लगता है पेश चेंज होता है आपकी लाइफ का पहला दूसरा आप लोगों को भी चेंज करें अगर आपके अगल बगल अच्छे लोग नहीं हैं आप उनको अपने आस पास आप गुड पीपल से मिलें जो उनके पास पॉजिटिव वाइब्स हों थर्ड आप मेंटल कामनेस के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं जो मैं करता था मैं विपसना मेडिटेशन करता था यहाँ तक कि नमाज भी पढ़ता था ताकि मेरे को मेंटल कामनेस मिले दिस थर्ड फोर्थ मैं हर दिन रात में सोने से पहले फॉर पॉजिटिविटी आई यूज टू राइट ऑल द गुड थिंग दैट हैज हैपन टू मी उस दिन में और मैं ग्रेटिट्यूड डायरी लिखता था पेइंग थैंक्स टू एवरीबडी हैज डन समथिंग गुड टू मी जिसने मेरे लिए अच्छा किया है मैं उस चीज़ को उस डायरी में नोट कर लेता था ये चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स से और फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ वन इसकी आप हमेशा याद रखें कि आपको जिंदा रहना है दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जिंदा रहना है अगर शायद मैं आपकी uh, मैंने गलती की होती और कुछ गलत स्टेप किया होता तो शायद मैं इस सोसाइटी को सर्व कर नहीं कर पाता आपको पूरा मौका मिलता है एक लाइफ मिली है मेक फुल यूज ऑफ इट मेक बेस्ट आउट ऑफ इट जो भी आपकी पोटेंशियल है उसके लिए सो दिस वर वी फ्यू स्टेप जो मैंने लिए अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए तो हर साल मैं अपना जगह चेंज किया करता था और लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल ही ऐसी जगह गया जामिया गया आर सी ए जहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव एन्वायरमेंट मिला पीपल फुल ऑफ एनर्जी वहाँ मेरे को बहुत पॉजिटिव माइंड सेट मिला मैंने फिर से अपने पाँच साल की जर्नी में फिर से मैंने सात आठ दस घंटे तक अपना स्टडी स्ट्रेच को आ, और को स्ट्रेच किया फिर उसके बाद मैंने प्रलिम दिया पूरी एनर्जी गैदर करके मैंने उसको दिया आ, मुझे जब प्रिलिम्स मेरा क्वालीफाई हुआ तब मुझे लगा कि आ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया मुझे लगा कि मैं वापस एनर्जी वो गेन कर चुका हूँ और कभी कभी पीछे दो कदम लेना पड़ता है एक लंबी छलांग के लिए शायद ये दो फेलियर मेरे लिए उसके लिए ही थे अब शायद मेरा समय आ गया जब मैं लंबी छलांग चला, लगा सकता हूँ इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने मेन्स पे बहुत स्ट्रांगली फोकस किया अपने आंसर राइटिंग स्किल्स पे अच्छे लोगों से मिला जो मेरा पेपर चेक कर सकते थे सिलेक्टेड लोगों से मिला उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ फिर मैंने मेन्स दिया और मेन्स भी बहुत अच्छे नंबरों से निकला उसके बाद जब मैंने मेन्स क्वालिफाई किया मुझे इंटरव्यू कॉल आया बट दिस टाइम मैं डरा हुआ था कि अगेन वो हिस्ट्री रिपीट ना हो बिकॉज इफ़ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री वी आर बाउंड टू रिपीट इट मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाऊँगा पूरी एनर्जी के साथ जाऊँगा एंड यही किया मैंने इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं गया वहाँ पे इट वॉज़ वेरी गुड पैनल ने बहुत मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक कि एक क्वेश्चन बहुत आर्बिट्ररी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछा गया तो पैनल चेयरमैन ने कहा कि आप प्लीज़ क्वेश्चन चेंज कर दीजिए एंड दैट वॉज अ बूस्टिंग पॉइंट फॉर मी मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा लेवल पर जा चुका था कि एंड में जब मुझसे पूछा गया कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैंने कहा कि आप मैम ग्रेटिट्यूड डायरी के बारे में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ एंड मैंने उनको बताया कि ये मुझे कैसे पॉजिटिविटी देता है मेरे लाइफ में तो एक पैनल मेंबर ने ये भी कहा कि मैं भी अब से ये फॉलो करूंगा इस लेवल का कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो चुका था वहाँ पर उसके बाद रिजल्ट का डेट आया सबको पता होता है कब रिज़ल्ट आ रहा है एक दिन पहले सबको आइडिया लग जाता है कि रिजल्ट आने वाला है मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा मैंने अपने दोस्त से कहा कि देख लेना अगर हो जाए तो रूम पे आना और ना हो तो ना आना एंड वो भागता हुआ आया उसको रैंक पता थी उसने बोला कि तू आईपीएस बन गया है ट्रस्ट मी दैट मोमेंट आई गॉट सो मेनी कॉल दो सौ तीन सौ कॉल आए होंगे बट आई रियलाइज कि पूरा मेरा फेलियर एवरी पेन एवरी टियर एवरी दुख ऑफ योर्स हर चीज़ ना वर्थ होता है उसे एक पी में नाम के लिए जब आपको सोशल रिकोगनीशन सोशल रिस्पेक्ट मिलती है आपको एक्सेप्टेंस मिलती है सोसाइटी में डैट वॉज द मेन थिंग विच आई गॉट आउट आउट ऑफ दैट पी सो ये uh, मुझे लगता है कि इस पूरे जर्नी में जो तीन चीज़ें आप मुझसे सीख सकते हैं वो एक ये है कि आप अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स बिकॉज योर फेलियर्स आर योर्स दिस इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड ड्रीम बिग ड्रीम बिग बड़ा सोचें फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं स्टार्ट अगेन बट ऑलवेज ड्रीम बिग एंड थर्ड इज नेवर फूल योर सेल्फ अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप काम नहीं कर रहे हैं और उस चीज को दूसरों को भले आप कुछ भी कहें बट खुद को अंदर पता होना चाहिए आप कहां कर रहे हैं। है, मैं उसके बैकड्रॉप एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आपके लिए जोश ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से जिसकी वजह से वो वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहाँ पर वो देश की सेवा कर सकें मैं मानता हूँ कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपने प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा और ये एक ऐसा मुकाम है एक ऐसा अवसर है देश का जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृतकाल से वी कैन ऑलवेज़ कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटिफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं